मुझे मालूम नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया। एक औरत होकर इतनी बड़ी गलती कर दी, वो भी सिर्फ इस गलत फहमी में कि विक्रम ने उसे धोखा दिया था। माँ, सोचो विक्रम के ऊपर क्या बीती होगी, उनके अपने छीन के सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन बहुत साहस वाले इंसान है, अपनी सारी जिंदगी अपने जिंदगी के सबसे बड़े गम से उभरने की कोशिश करते हैं, देश छोड़ दिया, अपने आप को दिन रात काम में डुबो दिया। मेरी विक्रम से शादी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी शादी पर, हमारी जिंदगी पर अतीत का साया बना रहा। विक्रम के जख्म कभी खत्म नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे कभी पूरे दिल से अपना नहीं पाया। शादी हुई भी तो आधी अधूरी, खुशियां मिली भी तो आधी अधूरी। मॉम, संभालिए अपने आप को। संगीता सिर्फ विक्रम की नहीं, मेरी भी गुनहगार, बहुत बड़ी गुनहगार। गोविंद जी, गोविंद जी, हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कोई सोल्यूशन नजर में ही नहीं आता। आखिर इस सब में किसका दोष है? राज, सॉरी राज, मारे को माफ कर दे। आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? अरे यो जो झमेला हुआ, मारी वजह से तो हुआ ना। अब शुरुआत तुम्हारे उनके घर जाने से हुई ना राज। अगर मैं उनके घर ना जाता तो शायद। पर राज, तुम्हारी को एक बात समझ में ना आ, जो टेकरी वाले राज की बात सबको पता कैसे चली? क्या मतलब? अरे मतलब यो कि बस संगीता जानती थी इस राज के बारे, पर उसने तो इतने सालों तक यो राज छुपाए रखा, तो यो बात बाहर कैसे आई? और कौन है जो जानता है इस टेकरी वाले राज के बारे में, जिसने यो सारा चिट्ठा खोल दिया? अवनी, सिर्फ अवनी जानती थी ये राज। क्या उसने बता दिया सबको? पर वो ऐसा क्यों करेगी? कहीं उसने तो। मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ही सवाल, इनका जवाब मुझे चाहिए। तुम वही आ जाओ जहां पे हम हमेशा मिलते हैं, अभी इसी वक्त। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तूने मुझे मिलने बुलाया, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? अब के करो आभास, तू तो हाथापाई से बात करे हैं, पर मारे को तो बस सच की भाषा आ गई। ओ फटे ढोल, तेरी ये फालतू बकवास सुनने नहीं आया हूं यहाँ पे, समझा? काम की बात है तो कर, वरना इन सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो थारे में हिम्मत है सच का सामना करने की? मतलब यो
कि थारी माँ से उमड़ गांव में जो हुआ, जिसकी वो जिम्मेदार भी थी, उसने तुम सबसे सब कुछ छुपाया, उसने इतने साल तक तुम सबको बेवकूफ बनाया, और अब तारी बहन अपनी भी वो ही छुपा छुपी का खेल खेल रही है। मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी गाना तो यही गा दूंगा। अरे भाया, यो मैं ना बोल रहा, यो कागज का टुकड़ा बोल रहा। ये मैरिज सर्टिफिकेट राजा रवनी अपनी ऐसा नहीं कर सकती। अरे तो राज को भी क्या जरूरत थी शादी करने की? राज को दोष देने के पहले अपनी बहन अमड़ी की गलती को देखो। अरे तू तो अमड़ी का भाई है ना, इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले और इस शादी को रद्द कर दे बस। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी करना है अमड़ी के साथ करना, राज को हाथ भी लगाया ना तो। क्यों, क्या करेगा तू? तुम लोगों की औकात अच्छे से जानता हूं मैं। जरूर राज ने मेरी बहन को बहलाया फुसलाया होगा, तू देख अब, देख मैं राज के साथ क्या करता हूं, अब तू देख। अरे बाप जी, यो आभास भी कमाल है, जरा सी हवा दी आग लग गई इसके दिमाग में, इसका गुस्सा घना काम आवेगा। आई लव यू बाप जी। अरे आज की यो रात मारे को उमड़ गांव की वो काली रात की याद दिलावे, तब भी मारी चाल चल गई थी और आज भी चलेगी। इससे पहले कि तुम मुझसे कोई सवाल करो, मुझे बताओ राज, क्या चाहते हो तुम? अतीत को ठीक करने का एक कौन सा तरीका था कि तुमने सारे राज खोल दिए? क्यों किया तुमने ऐसा राज? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगा? पता नहीं तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आता राज। लेकिन ये राज खोलने से मेरा परिवार टूट के फिकर। बस मेरा परिवार, मेरा परिवार ये सुनता हूँ तुम्हारे मुँह से मैं, अपनी मेरे परिवार का क्या? परसों परिवार डाट को इतना बड़ा सदमा लगा, अपने परिवार को खो देने का, अवनी आज तक उनको जीने नहीं देता, और आज उन्हें फिर बेइज्जत किया जाता है, धक्के मारे घर से निकाला जाता है, क्यों? अवनी वो मेरे पिता है, गॉड डैम इट, और तुम्हारे ससुर भी, फिर भी तुमने ये सब होने दिया उनके साथ? मैंने होने दिया? तुम्हें पता भी वो क्या हालात थे राज? मेरी माँ सब उनसे गुस्सा, कोई ऐसे बात नहीं कर रहा, उनकी जिंदगी जैसे बर्बाद हो गई है राज। तुम अपनी माँ की बात करती हो, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मेरे मम्मी कितना दर्द सहा है, कितना दुख झेला उन्होंने? उनकी कोई गलती नहीं थी अवनी। अरे मेरी माँ को शादी की वो सारी खुशियां भी नहीं मिली जो वो डिजर्व करती थी, क्योंकि मेरे डैड पर अपने परिवार को खो देने का दर्द इतना हावी था कि वो खुलकर जी नहीं पाए अवनी, उनका प्यार से विश्वास ही उठ गया। बरसों पहले उमद गांव में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम्हें भी पता है राज, तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ भी हो उसमें मेरी माँ का क्या दोष है? लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है ना अवनी, उसके लिए सिर्फ तुम्हारी माँ जिम्मेदार है। क्या तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, तुम्हारी माँ अवनी, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि मैं शादी तोड़ दूँ और मैं बुरा बन गया, और आज जब मेरे डैड तुम्हारे परिवारों के बीच समझौता करने गए तो वो बुरे बन गए। God, I just hate your family. किस किस्म के इंसान हो तुम राज? सारे हालात चलते अगर तुम्हारी ये सोचे तेरे, सॉरी, मुझे अफसोस है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। अगर यही बात है तो ठीक है, वैसे भी हमारी शादी के बारे में कोई जानता नहीं है अवनी, मैं तुम्हें शादी से आजाद करता हूं, निकल जाओ मेरी जिंदगी से अपनी, आज की बार में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
रहे हो तुम राज? वैसे भी हम एक दूसरे पर विश्वास ही तो अच्छा कि हम इस रिश्ते को खत्म कर दें। पता नहीं तुमने मुझसे कभी प्यार किया या नहीं, पर एक बात अच्छे से सुन लो, आई डोंट केयर। शादी से आजाद करता हूं, निकल जाओ मेरी जिंदगी से अपनी। आज के बाद में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। सांस तक रहेगा, सांस तक रहेगा, सांस तक रहेगा। मैं जब तक जीऊंगा, जब तक जीऊंगा, जब तक जीऊंगा, तुमसे प्यार करता रहूंगा, अपनी करता रहूंगा, अपनी करता रहूंगा। मैं तुम्हें शादी से आजाद करता हूं। आज की बार में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरी गलती, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। माना कि हम हालात का सामना करते करते थक गए, लेकिन तुम ही ने कहा था ना कि अगर हम भी कुछ हैं तो हमारी हिम्मत और बढ़ जाएगी। सोचा था हम मिलकर दोनों परिवारों को एक कर देंगे, कितनी कोशिश की पर सब फेल, और अब तो दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से और नफरत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अब हम दोनों भी हमेशा लड़ते रहते हैं राज, तो क्या फायदा हमारी शादी, उन सात पैरों का जो हमने लिए थे? क्या साबित करना चाहते थे हम, कि हमारा प्यार कितना कमजोर है? अब क्या करूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पहले जब मेरी शादी तुमसे टूटी थी तो मैंने कैसे भी करके खुद को संभाल लिया था, कि अगर इस बार ऐसा कुछ हो तो मैं टूट जाऊंगी, मर जाऊंगी। इतनी भी सेल्फिश नहीं हो सकती। अगर मेरे परिवार ने राज को एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे उसे भूलना ही होगा। मैं अपने परिवार को और दुख नहीं दे सकती। Thank you.
तो मानेगी? रेवड़ी? No. इतनी बड़ी होगी रेवड़ी खाएगी? तेरा भाई अब्बास तुझे सिर्फ खुश देखना चाहता है, और अगर तेरी खुशी राज में है तो मैं वादा करता हूँ तुझे राज से मिला के रहूंगा, चाहे मुझे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। रो मत चिकी, तेरे प्यार की खातिर मैं ये दुश्मनी खत्म कर दूंगा, तेरा ये भाई तुझे तेरी खुशी लौटा देगा। राज, ये बात है, सब ठीक है ना? वैसे इतनी रात को कट्ठे से आ रहे हैं? हेलो। देख राज, जो हुआ सो हुआ, पर मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। देखा बस, मुझे तुम लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वैसे ही मेरा मूड बहुत खराब है। राज प्लीज, मैं जानता हूं कि तेरी और अवनी की शादी हो चुकी है, और ये भी जानता हूं कि तुम लोगों ने बहुत कुछ सहा होगा, और अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं, सब कुछ। और अगर तू भी ये चाहता है कि हम दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी खत्म हो जाए और तू और अवनी एक दूसरे के साथ हो जाओ हमेशा के लिए, तो मुझे अभी मेहरानगढ़ की चोटी पे आके मिल, मैं तेरा इंतजार करूंगा। मेहरानगढ़ की चोटी? लेकिन हेलो राज, आभास ने तारे को फोन किया और मेहरानगढ़ की चोटी पे बुलाया। भाया कुछ तो गड़बड़ है। सुन, यो रख ले, जो आभास है ना उल्टी बुद्धि का है, घना गुस्से वाला है, कब कौन सी चाल चलते हैं, तारी सुरक्षा के लिए रख ले। जो ले। नहीं मामा, इसी कोई जरूरत नहीं होगी। तारी गाड़ी में रख देता हूँ, जरूरत पड़े तो उठा ले। चल चला जा। जो पुरानी चीज माहौल को खराब करती है ना, उसे हटा ही देना चाहिए, ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके, है ना भैया? आपको याद है भैया, जब डैड आपसे और भाभी से नाराज था, तब माँ ने ही डैड को समझाया था कि दिल में अगर नफरत और गुस्से को बनाए रखोगे तो खुशियों के लिए जगह नहीं बचेगी। माँ ने पूरी कोशिश करके जो डैड के दिल में आपके लिए नाराजगी थी उसको मिटा दिया। अब आपकी बारी है भैया। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ भैया, प्लीज भाभी को कहिएगा कि माँ का ख्याल रखें। माँ रुकी, आपकी तबीयत खराब है। अरे आराम से माँ, संभालिए। आप ठीक तो है ना? आप जानते हो माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे लिए वही माँ रहेंगी जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा करा। आप जानते हो माँ, मुझे आज भी आप पर उतना ही नाज और उतना ही भरोसा है जितना कि पहले था, और ये आप ही ने तो सिखाया है कि इंसान कभी बुरा नहीं होता, बुरे तो बस हालात होते, सब आप ही से सीखा है हमने। और देखना माँ, आपका ये बेटा हालात बदल देगा, हमारा ये घर पहले की तरह हंसता खिलखिलाता हो जाएगा, ये वादा करता हूँ मैं आपसे।